हाय शिवांगी, हाउ आर यू? वेलकम टू इंडिया टीवी, सास बहू और कोरोना। हाय हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेरी गुड, थैंक यू सो मच। शिवांगी, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लॉकडाउन अनाउंस हुआ, ये जी कोइंसिडेंस था या आपको थोड़ा आइडिया पहले लग गया था? आप उत्तराखंड पहुंच गए, आप पूरी फैमिली के साथ हो वहां पर, सो अच्छा हो गया, नहीं तो आप मुंबई में अकेले रहते। जी हाँ, नहीं, पहले तो हमें आइडिया नहीं था इस बारे में, क्योंकि लॉकडाउन के बारे में. होली पे हम देहरादून आए थे. मैंने 7 साल बाद होली अपने फैमिली के साथ मनाई थी, और अगले दिन हम वापस बॉम्बे भी चले गए थे. शूट रिज्यूम भी कर लिया था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, आई थिंक शूटिंग के, हमें नोटिस आया ऑफिशियली कि मतलब 31 मार्च तक शूटिंग नहीं होने वाली है, और उसके बाद ही अब रिज्यूम करेंगे. तो हमें लगा कि वी हैव टाइम, एंड दिस वाज बिफोर लॉकडाउन, तो मतलब दैट प्रॉपर लॉकडाउन. तो हमें हमें लगा कि ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर टाइम है तो 10 दिन भी है, तो क्यों ना वो 10 दिन हम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें. तो हम आई थिंक जनता कर्फ्यू के पहले ही, हम 2 दिन पहले ही हम देहरादून आ गए थे. कैसा चल रहा है लॉकडाउन पीरियड? क्योंकि आपकी फैमिली भी आपके साथ है वहां पर, कौन कौन है उधर? लॉकडाउन पीरियड बहुत ही अच्छा चल रहा है. मतलब ऑब्वियसली घर में है, पूरे फैमिली के साथ हैं, तो सबके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है. मैं हूँ, मामा है, पापा, माय सिबलिंग्स, माय ग्रैंडफादर, माय भैया भाभी, एंड उनका बेबी है वंश. तो हम सभी हैं यहाँ पे, और काफी कुछ कर रहे हैं, काफी नई चीजें ट्राई कर रहे हैं. आई स्टार्टेड बेकिंग, एंड मतलब मजा आ रहा है. काफी काफी कुछ चीजें हैं जो हम कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट ऑल यू बेक? केक? यस, केक्स. और अब तो मतलब ऐसा हो गया कि मैं रोज ही, ऑलमोस्ट हर दिन केक बना रही हूँ. केक बनाने में मुझे मुझे जितना मजा आ रहा है, आई थिंक खाने में सबको उतना मजा आता है, तो उस चीज से मुझे काफी खुशी मिलती है, और मैं काफी केक बना रही हूँ. ओके, तो कौन से केक में शिवांगी ने स्पेशलाइज कर लिया है, एक्सपर्टीज आपकी? या मैं चॉकलेट केक बनाती हूँ, ब्राउनीज बनाती हूँ, और अभी रिसेंटली जो मैंने बनाई थी फॉर माय भैया भाभी एनिवर्सरी, मैंने वॉलनट ब्राउनी बनाया था. उसका प्रॉपर केक जैसा बनाया था, और वो बहुत ही अमेजिंग बना था. ओके, तो शिवांगी कैलोरी कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है, या आप फिटनेस के लिहाज से कुछ सोचकर ऐसा केक बनाती हैं जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे और हम फैट भी ना गेन करें? नहीं, केक से आप फैट तो गेन करोगे ही, लेकिन दवा का भी पीना है, यू हैव क्वाइट लॉट ऑफ ऑप्शंस। या लेकिन आई थिंक केक मीठा है ऑब्वियसली, और केक है तो आप, चॉकलेट है उसमें, तो यू नो आप फैट तो गेन करोगे, लेकिन आई एम वर्किंग आउट एवरी डे, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज कीपिंग मी फिट. एंड आई हैव इनिशियली, मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया था, अब जो मैंने लूज कर लिया है, सो आई एम वर्किंग आउट ईटिंग बट ऑल्सो वर्किंग आउट, सो आई थिंक बैलेंस हो रहा है. ओके, तो वर्कआउट रिजीम कैसे रहता है, क्या क्या करती हैं शिवांगी वर्कआउट में? आई डू योगा, एंड आई यूज माई स्टेयर्स फॉर द रन, एंड देन वी प्ले मेनी आउटडोर गेम्स. वी प्ले बैडमिंटन, वी रिसेंटली स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, और काफी कुछ है हम करते रहते हैं यार. आई थिंक आउटडोर गेम्स सबसे अच्छी वर्कआउट, सबसे अच्छा तरीका है वर्कआउट करने का और साथ में से एंजॉय करने का. एंड वी ऑल्सो डू जुम्बा, मतलब मैं, मेरी भाभी एंड माई यंगर सिस्टर, हम तीनों मिलके जुम्बा करते हैं, और काफी कुछ करते हैं. सो आई थिंक वर्कआउट मेरा हो रहा है. एंड देन आई ऑल्सो ट्राई टू डू 20 सूर्य नमस्कार एवरी डे. और क्रिएटिव वीडियोस बनाते हैं आजकल काफी एक्टर्स, तो शिवांगी ने भी वीडियोस बनाए हैं ऐसे? मैंने बहुत ज्यादा अपलोड नहीं देखे आपके। नहीं, मैंने नहीं बनाए. इनिशियली मैं एक्चुअली काफी ज्यादा फोन में थी इन्वॉल्व, और मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहाँ पे, जिसमें इतना कुछ है कि आप दिन भर भी स्क्रॉल करते रहोगे, वो खत्म नहीं होगा. तो मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करूं, और वरना आप पूरा दिन भर उसी में लगे रहते हो, और आप और कुछ नहीं कर पाओगे. सो सोशल मीडिया में उस तरीके से अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ. पर जहाँ तक बात वीडियोस की है, मैंने मतलब ऑब्वियसली आई एम वर्किंग आउट, आई एम हेल्पिंग माई मॉम इन क्लीनिंग द हाउस, लाइक इन
the household, but I don't record much videos. मतलब मुझे लगता है कि कोई compulsion नहीं है. Okay. आपकी मम्मा है, उनको बुलाओ जरा. हाँ हाँ बिल्कुल मम्मा. Hello, how are you? I'm good. How are you? Very good. अभी शिवांगी और मैं बात कर रहे थे कि family time आपका lockdown period कैसा चल रहा है. She said, of course, it's a bliss. Family के साथ तो घर में बंद हो तो भी festival जैसा ही होता है. तो आपका कैसा चल रहा है? क्योंकि शिवांगी काफी आपको time दे रही है. बहुत मजा आ रहा है हमें तो. एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम बाद पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत ही मजा आ रहा है. मतलब पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पे टाइम का. यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है. बहुत मजा आ रहा है. बहुत मजा. अच्छा मुझे शिवांगी ने बताया आजकल वो बेकिंग काफी कर रही है तो केक बना रही है. अब मुझे रिस्पॉन्स आपका चाहिए क्योंकि खाया आप लोगों ने, बनाया इन्होंने, तो कैसा बनाया? हाँ, बहुत अच्छा बना रही है. आपकी बार मुंबई आएंगे तो आप भी आ जाना, केक आपको भी खिलाएगी. ओके. शिवांगी तंग तो नहीं कर रही है आपको? नहीं नहीं वो तो तंग बॉम्बे में भी नहीं करती. यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं कर रही. यहाँ तो बहुत बिजी है अपने भाई बहनों के साथ, पापा के साथ, दादू के साथ, छोटे से बेबी के साथ. वो सबके साथ इतनी बिजी है कि कोई टाइम ही नहीं उसको तंग करने का भी. क्योंकि शिवांगी ने 16-16 घंटे काम किया है और अब एकदम घर में बंद है, मुंबई से दूर है. तो शिवांगी थॉट्स थोड़ी बहुत आते होंगे ना ऐसे कि जो इंसान एकदम काम कर रहा है उसके बाद वो किचन में आ जाता है, वो घर के अंदर है, उस शहर से दूर है जहाँ पे वो शूटिंग कर रहा है, तो थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं कुछ? ऑनेस्टली शुरुआत में जब तक लॉकडाउन सिर्फ 31 मार्च तक का था तब तक इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हमें मतलब इस चीज के बारे में नहीं लग रहा था क्योंकि हमें था कि चलो 10 दिन की बात है और अच्छा है जो हो रहा है और होना भी चाहिए, सबकी सेफ्टी के लिए काफी जरूरी है. और हम लकी हैं कि हम देहरादून में हैं तो मैं मतलब इंजॉय कर रही थी अपनी फैमिली के साथ. इतने सालों बाद मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था. पर जैसे ही लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, जो कि होना जरूरी है, जरूरी था, तो वी अंडरस्टैंड. बट अब मुझे बट यस आई मिस माय वर्क और अब मैं विश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सब ठीक हो जाए, सब खत्म हो जाए और लाइफ वापस सबकी नॉर्मल हो जाए एंड यू नो वी ऑल कैन गेट बैक टू आवर वर्क. हम अपने अपने घरों में हैं, हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, भले बाहर की हवा ब्रीथ नहीं कर रही लेकिन घर के अंदर है. शिवानी आपकी तो स्किन भी बहुत ब्रीथ कर रही है, ऐसा लग रहा है बाल बहुत ब्रीथ कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं. थैंक्स. जी हाँ, यहाँ पे घर पे है तो मतलब ऑब्वियसली वहां तो हम शूट पे होते हैं, रोज काम करते हैं तो एवरी डे वी आर इन मेकअप एंड यू नो सब हेयर वेयर होता है. यहाँ पे रोज नहीं होता है, जब ऐसा कोई सेशन होता है देन ओनली आई गेट रेडी, अदरवाइज आई डोंट. सो आई थिंक स्किन ब्रीथ कर रही है, स्किन को टाइम मिल रहा है और बाकी बाल वाल के लिए तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. बट हाँ, एक ऑयल घर का जो तेल है बनाया हुआ वो मैं लगा लेती हूँ हफ्ते में एक आध बार. ओके वेरी गुड. ये मंथ बहुत स्पेशल है सबके लिए. आपके फैंस मतलब इतने रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे मतलब डाल रहे हैं बर्थडे के, क्या करने वाली, उनके प्लान्स क्या हैं. शी इज नॉट इन मुंबई, शी इज इन देहरादून, सबको पता है ये बात. जी सो क्या प्लानिंग है बर्थडे की? फिलहाल तो अभी तक कुछ प्लान किया नहीं है. हम होप कर रहे थे कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाए लेकिन आई थिंक 17 मई तक अभी ये एक्सटेंड हुआ है. सो 18 को मेरा बर्थडे है, लेट्स सी क्या होता है. फिलहाल तो अभी कुछ प्लानिंग नहीं की है बट जो भी होगा आई थिंक वही हम क्लोज फैमिली मेंबर्स के बीच में घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे. ओके. तो शिवांगी अभी क्या क्या मिस कर रही हैं? आपकी 5 वो चीजें जो आप सबसे ज्यादा मिस कर रही हैं. I miss work. I miss shooting. I miss shooting. I miss Bombay. I miss. I'm missing a lot of things actually. But yeah, mainly I miss working. I miss shopping. हाँ ठीक है हाँ. कभी कभी हाँ. I miss shopping also. But yeah, mainly I miss shooting. Okay. तो शूटिंग मिस कर रही है शिवांगी, शॉपिंग मिस कर रही है, काम को मिस कर रही है, मुंबई को मिस कर रही है और बहुत कुछ मिस कर, फैंस को मिस कर रही है. बिल्कुल. तो फैंस से शिवांगी क्या कहेंगी?
जो नॉन स्टॉप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जरा उनको कुछ कह दो आप, ताकि वो शांत रहे थोड़े और दिन। आई नो, मैं खुद भी देख रही हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और मैं हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, और इस साल मैं नहीं कर पाऊंगी उस तरीके से, बट ऑब्वियसली आई विल बी सेलिब्रेटिंग इट विद माय फैमिली मेंबर्स। हाँ, तो आई थिंक आई विल मिस दैट आल्सो, बट आई थिंक ये इस वक्त इस आर की नीड है, तो वी ऑल शुड फॉलो दैट, एंड हम भी करेंगे। So let's see, यार अभी मैं इतना सोच नहीं रही हूँ, बट यार थैंक यू सो मच गाइज, आप मैं देख रही थी काउंट डाउन जो शुरू हुआ हुआ है, बहुत स्पेशल फील होता है, एंड यार अच्छा लग रहा है, थैंक यू। आपका वो एल्बम जो आया था जिसके लॉन्च पर मैं भी आई थी शिवांगी, वो गाना ना मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है, तो मैंने उस गाने में ट्विस्ट लाया है और थोड़ा सा लिरिक्स चेंज किए, पर गाना आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ। आदतें हर रहने की आदतें, अब तो रहना है ना कुछ कहना है, लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, आदतें आदतें, अब तो रहना है ना कुछ कहना है, लॉकडाउन इज गोइंग ऑन। ये शिवांगी की आवाज में होता है, अब तो रहना है ना कुछ कहना है, लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, आदतें आदतें, ये नहीं अब तो रहना है ना कुछ कहना है, लॉकडाउन इज गोइंग ऑन। इसके आगे एक और लाइन मैंने लिखी थी, आदतें आदतें, हाथ धोने की ये आदतें, अब तो धोना है, वायरस को रखना है दूर, very important, love it. Okay, तो शिवांगी के दिमाग में कोई गाना आ रहा है सिचुएशन के हिसाब से? देखो मैंने आपके गाने को ट्विस्ट करके गा दिया, जबकि मैं तो सिंगर भी नहीं हूँ। मेरे दिमाग में अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, मां भी अंदर आओ। Yes. तो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हो गया। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम सब अपने घरों में बंद हो, लॉकडाउन हो जाए। आपने शो की शूटिंग घर पर भी की है क्या? ऐसी बीच में खबर आई थी कि शायद आप लोग घर से भी शूट कर रहे थे। जी हाँ, हम घर से शूट कर रहे थे। हमारे शो में कुछ स्पेशल एपिसोड्स दिखाए थे, कहानी अब तक जो दिखाई गई थी उसके लिए हमने घर से बाइट्स शूट की है। ओके, तो कौन था कैमरामैन, कौन रहता था? सब लोग। तो क्योंकि मैं यहाँ पे अपने कपड़े नहीं लेके आई थी, क्योंकि मैं सिर्फ 10 दिन की प्लानिंग के हिसाब से आई थी, तो मैं 2-4 कपड़े ही लेके आई थी, और तो मैंने अपनी शूटिंग, जब हमें बताया गया कि हमें घर से ऐसे बाइट्स शूट करके भेजनी है, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी सिस्टर के कपड़े यूज किए, मतलब शी वाज माय स्टाइलिस्ट, माय कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, एंड माय भैया वो मेरे कैमरामैन थे, और मेरी भाभी थर्मोकॉल लाइटमैन, मतलब थर्मोकॉल पकड़ के खड़ी रहती थी, जो थर्मोकॉल हमने एक पोर्ट्रेट के पीछे का जो वाइट जो प्लेन बैक होता है वो, उसको हमने थर्मोकॉल बनाया है। फिर मेरी बहन लाइटमैन थी, और मम्मी बीटीएस शूट करती थी कि हम शूट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इतना मजा आता था, मतलब काफी मजा आ रहा था, सब मिलके कर रहे थे। लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इस लॉकडाउन में बहुत चीजों को की वैल्यू जो हम नहीं करते थे हमने वो करना सीखा है। शिवांगी ने क्या क्या सीखा है इस लॉकडाउन के दौरान? मुझे काफी टाइम हो गया था अपनी पूरी फैमिली के साथ ऐसे टाइम स्पेंड किए हुए, और मतलब लिटरली सबके साथ बैठ के अच्छे से बात करो कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या हुआ, क्या किया, और यू नो, तो ये चीज मैंने बहुत टाइम के बाद की। यहाँ पे टाइम है सबके पास, तो हम सब बैठते थे, एक दूसरे के बारे में बात करते थे कि क्या हुआ है, और मतलब तो उस चीज में आई थिंक काफी कुछ चीजें पता चली है मुझे फैमिली के बारे में, अपने बारे में। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम
यू नो जितने लोगों को हेल्प कर सकें, क्योंकि भगवान ने हमेशा इतना दिया है कि हम जिनके पास नहीं है उनकी मदद कर सकते हैं और कर पा रहे हैं, तो वी आर डूइंग दैट. इनफैक्ट येस्टरडे ऑल्सो मैं और मामा गए थे, हमने देहरादून में मतलब कुछ लोगों को खाना बांटा है, और जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, मतलब जो यू नो हमारी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बाहर हैं, तो हमने सबको पानी, जूसेस और खाने की चीजें, सो हम कल हमने ये भी की थी. आई थिंक मुझे वो करके काफी अच्छा लगा. बुरा लगता है उन लोगों को देखकर जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पर ट्रैवल कर रहे हैं अपने अपने घर गांव जाने के लिए, ऐसे भी लोग हैं. और हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम बोलते हैं कि घर पे फंस गए, क्या करें, हम लोगों को भी भारी है. जबकि हमें तो क्या प्रॉब्लम है, देखिए हमारे पास भौजा सब कुछ है, घर पे है, अच्छे से खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं. लेकिन जिन लोग के पास यहाँ पे, अभी मेरी छोटी बेटी देख के आई, कोई बेचारे फैमिली को लेके जगह जगह छोटे छोटे घर बना रहे हैं, ऐसे वहां पे रह रहे हैं क्योंकि अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए. तो उनको देख के लगता है कि यार इनको देखो ना, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे सर्वाइव करेंगे. तो हम लोग क्यों रोते हैं कि यार अब हमें हमारे को इंजॉय नहीं मिल रहा है. हमें बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए इस चीज को लेके कि हम सभी को जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, कि हम एटलीस्ट हमारे पास, मतलब लिटरली हमारे पास छत है रहने के लिए, हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, हमारे पास परिवार है हमारा. शिवांगी आपका बर्थडे मंथ है ये, तो क्या विश आप इस बर्थडे पर मांगने वाली हैं? एक ही विश है कि ये कोरोना जल्दी से चला जाए, खत्म हो जाए, और जितने भी लोग अफेक्टेड हैं वो सब ठीक हो जाएं, और यू नो सबकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाए. तो आपके शो के नाम के साथ ही मैं रैप अप कर रही हूँ. ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम सबको रिश्तों की वैल्यू समझ में आ गई है. रिश्तों को प्यार से निभाना है, संयम से निभाना है, घर पर रहना है, खुद को सेफ रखना है, और सबको सेफ रखने की कोशिश हम एटलीस्ट इतना तो एग्जैक्टली राइट. तो शिवांगी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, मुंबई आओ आप, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा फिर हम मिलेंगे, पार्टी करेंगे, और तभी करेंगे अब तो. हाँ जी, अब बर्थडे तब मनाएंगे, तभी मनाएंगे, तभी मनाएंगे, जोर शोर से मनाएंगे. ओके, थैंक यू, स्टे सेफ.